हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं और इसमें से कुछ अपडेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और वो अपडेट्स है गूगल एडसेंस की तरफ से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोनेटाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली एडसेंस पे डिपेंड करता है, तो ये अपडेट आया है एडसेंस की तरफ से। तो गाइस, इन सारे अपडेट्स के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में आगे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारे पेमेंट जो है वो भी अटक सकता है। तो इसके डिटेल में मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको YouTube के कुछ अपडेट्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम मोनेटाइजेशन अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं अपने YouTube स्टूडियो बीटा, जो कि अब YouTube स्टूडियो बना दिया गया है। तो वहां पर आप जब राइट साइड में देखते हैं तो आपको लास्ट 28 डेज के व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स और अर्निंग दिखाई जाती है। तो गाइस, अब वहां पर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पिछले कितने दिनों का आप देखना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा अपडेट है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग 28 दिन का नहीं देखना चाहते, पर मंथ का देखना चाहते हैं, जो महीना चल रहा है वो देखना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा अपडेट है। और गाइस, इसके अलावा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, यानी कि YouTube स्टूडियो क्रिएटर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, तो वो अगर आप यूज करते हैं, तो वहां पर बहुत जल्दी जल्दी नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है कि आप अब जो एनालिटिक्स है आपके YouTube चैनल का, वो बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से वहां पे बताया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले 2 दिन पहले जब देखा था, तो वहां पर अपने जो डिस्कवरी वाला एरिया होता है, किसी भी वीडियो के अंदर अगर आप जाओगे तो डिस्कवरी वाला एरिया होता है, तो वहां पर हम अपने सजेस्टेड वीडियोस देख सकते हैं और सर्च टर्म्स देख सकते हैं, जिसके थ्रू हमें व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन गाइस, अब उसमें दो और चेंजेस आ गए हैं। वहां पर आप देख सकते हो कि आपके वीडियो को कितना इंप्रेशन मिला है और उस इंप्रेशन में कितना सीटीआर मिला है। तो गाइस, ये दो चीजें भी आप वहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपडेट कर रखा होगा तो आपको वहां पर अब वो शो हो रहा होगा। तो गाइस, मुझे शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, अगर आप यूज नहीं करते तो आपको यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपडेट जब आता है तो उसमें बहुत जल्दी आ जाता है। तो गाइस, इसके अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़े अपडेट के बारे में, जो कि है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड अपडेट। तो गाइस, जब मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो वो एडसेंस की तरफ से होता है। तो गाइस, यहां पर एडसेंस ने ये बोला है कि जो भी यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर्स जिनका चैनल मोनेटाइज है, वो सब जनों को अपने आईडी वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे, अगर आप उन्होंने अभी तक नहीं किया है तो। तो गाइस, अगर आप एक नए यूट्यूबर है और अभी अभी आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो तब तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी तो आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ता ही है, वो सबको करना पड़ता है, क्योंकि अब एक रूल बन चुका है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 2 साल पहले जिन लोगों ने एडसेंस पे अकाउंट बनाया था और उनकी अर्निंग तब से आ रही है, तब जो है आईडी वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी, तो ऐसे लोगों को अब अपनी आईडी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो गाइस, अगर एडसेंस में कुछ भी स्कैम कर रखा है, मतलब एक ही जने ने दो दो तीन तीन एडसेंस अगर बना रखे है, तो अब वो प्रॉब्लम आने वाली है। तो गाइस, इस तरीके से जो है बैंक में जो पेमेंट रेगुलरली जिन पुराने यूट्यूबर्स को मिल रहा है, वो अब आना बंद हो जाएगा अगर आईडी वेरिफिकेशन नहीं किया तो। गाइस, अभी जो फिलहाल फरवरी है, इसके पेमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मार्च में ये अपडेट आएगा, और मार्च में आपको एक ऑप्शन एडसेंस में मिल जाएगा जहां पर आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनको करना पड़ेगा। नए यूट्यूबर्स तो जब तक करेंगे नहीं तब तक तो वहां पैसे आएंगे नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका चैनल अभी 1 साल के अंदर अंदर मोनेटाइज हुआ है, और अगर आप 1 साल से पेमेंट ले रहे हो, तब तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आईडी वेरिफिकेशन करके बैठे हो। लेकिन 3 साल पुराने जो यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने 3 साल पहले किया, उनको ये अब करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ आईडी वेरीफाई करना और बात हो जाएगी। लेकिन गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है, कुछ लोगों ने कई सारे एडसेंस बना चुके हैं और उसके थ्रू वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, पहले तो एड्रेस का थोड़ा इश्यू रहता था, तो एड्रेस में थोड़ा बहुत चेंज करके काम हो जाता था, लेकिन आईडी वेरिफिकेशन जब से इम्पोर्टेंट, मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है, तब से कोई भी स्कैम एडसेंस में होता नहीं है। तो इस वजह से अब एडसेंस सोच रहा है, जो पुराने यूट्यूबर जो इसका फायदा उठा रहे हैं, उनको भी अब आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर जिन लोगों के पेमेंट आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही आईडी होगी, लेकिन एडसेंस बहुत सारे होंगे, और 3 एडसेंस में एक ही आईडी आप वेरीफाई कर नहीं सकते। तो यहां पर बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। तो इस तरीके से अगर आपका भी कुछ इश्यू है, तो आपको कुछ ना कुछ नया तरीका देखना पड़ेगा, आपके किसी और फैमिली मेंबर के एडसेंस के साथ आपके यूट्यूब चैनल को या ब्लॉग को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम है। तो गाइस, अगर आपने को अभी ये अपडेट आपको मिल चुका है, तो अभी से आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एकदम से कुछ भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और अर्निंग अटक सकती है। तो गाइस, अभी से अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आईडी वेरिफिकेशन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिनका एक ही एडसेंस है वो आराम से आईडी वेरिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस,
यही अपडेट था, और इस अपडेट से काफी सारे लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कुछ यूट्यूबर जो होते हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनको एक तरह से यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है यूट्यूब, तो वो भी एक अच्छी बात ही है यहाँ पर। तो गाइस यही था इस हफ्ते के जो भी बड़े अपडेट्स आए वो यही अपडेट्स है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।